हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की। सो इस एक्सरसाइज में कुछ डिलीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता दूंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। सो चैप्टर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड आपको निकालनी है प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इफ आपको कंडीशन दे रखी है दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड सेकेंड में आपको कंडीशन दे रखी है दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दी है, आपको ये फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज योर कंडीशन दैट ए इज द सबसेट ऑफ। अब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ए में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2, 3, ये आपके पास ए में एलिमेंट्स हैं, एंड बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो आपके पास मतलब ए इसका सबसेट है, यानी ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो बी से निकल के आए हैं। एंड अगर आप ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी निकालें जब ए बी का सबसेट है, तो बेसिकली दोनों में कॉमन पोर्शन क्या रहा है, 2, 3 इधर है तो 2, 3 इधर, दोनों में कॉमन पोर्शन जो इंटरसेक्शन है वो 2 और 3 आ रहा है, यानी बेसिकली ए सेट ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। आपको बी बाई ए बोला है, तो अगर आपको याद हो प्रॉबिबिलिटी ऑफ बी बाई ए कैसे निकालते हैं, प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए जो डिनोमिनेटर में होता है वही हम यहाँ लिखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि ए सेट कैसे आया, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए आई है। नीचे भी प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए है, कैंसिल करके 1। सेकेंड में आपको दिया है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी नल है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ भी नहीं है, 0 है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 0 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं, आपको फाइंड करना है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है कि फाइंड करना है कि बोथ चिल्ड्रन मेल्स है, इफ वाली कंडीशन दे रखी है, यानी ये इफ है देन। सो आपके पास इफ एंड देन की कंडीशन है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपके पास ये क्वेश्चन है। सो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास दोनों चिल्ड्रन जो है, आपके पास यहाँ पे दे रखा है कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो हमें पहले सैंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा। सो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, दो बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, या तो दोनों गर्ल्स हों या दोनों बॉयज हों, या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो या पहला बॉय दूसरा गर्ल हो, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, आपको बोला है फाइंड करना दैट बोथ आर मेल्स इफ गिवन क्या है दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल। तो आपको इवेंट मानने पड़ेंगे, लेट ए इवेंट मान लेते हैं दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल जो आपको फाइंड आउट करना है, बी इवेंट मान लेते हैं जो आपको गिवन है दैट एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज अ मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ए इवेंट जो कि बोथ मेल है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में से बोथ मेल वाली यानी बोथ बॉयज वाली कंडीशन आपकी ये होगी। बी यानी कि एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज अ मेल, तो वन चिल्ड्रन एटलीस्ट, तो उसमें गर्ल जो आपके पास गर्ल बॉय है ये वाली कंडीशन आएगी कि वन चिल्ड्रन यहाँ पे मेल है, एक बॉय गर्ल वाली कंडीशन आ जाएगी कि वन चिल्ड्रन मेल है, और एक बॉय बॉय वाली कंडीशन भी तो आएगी क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया ना, एटलीस्ट एक तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता लग जाता है कि आपको क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है इसकी, गिवन ये है, यानी ये आपका ए इवेंट है और गिवन आपका ये है, तो गिवन वाला नीचे लिखते हैं, यानी आपको पी ए बाय बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं, यानी कि बोथ मेल है तो मेरे पास ए की ऑप्शन है, टोटल सैंपल स्पेस में 4 है तो 1/4 आएगी। पी बी निकालना है यानी एटलीस्ट वन चिल्ड्रन मेल, तो मेरे पास 3 ऐसे से ऑप्शंस हैं और टोटल मेरे पास 4 है तो 3/4, एंड दोनों की इंटरसेक्शन मतलब बोथ चिल्ड्रन मेल एंड एटलीस्ट वन चिल्ड्रन मेल, तो इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी, ये वाली बी बी, बोथ भी मेल है 1 भी मेल है,
एटलीस्ट वाला भी ऑप्शन सही है, तो आपके पास वन ऑप्शन है बाय फोर। तो आपको अगर पी ए बाय बी निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, पी ऑफ बी 3/4, तो आपके पास 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखिए, प्रॉबिबिलिटी की बोथ फीमेल्स हैं, यानी ये आपका ए इवेंट है इफ इट इज नोन दैट एल्डर चिल्ड्रन इज अ फीमेल, ये आपका बी इवेंट है। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, लेट ए इवेंट की बोथ फीमेल है, बी इवेंट दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। तो आप दोनों के प्रॉबिबिलिटी निकालते हैं। देखिए ए के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है कि बोथ फीमेल है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों गर्ल्स हैं। बी के लिए हमारे पास क्या बनती है कि एल्डर चाइल्ड फीमेल है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों गर्ल्स में भी तो जो बड़ा वाला है वो फीमेल है, यहाँ पे गर्ल बॉय में भी पहले वाला चाइल्ड जो है वो फीमेल है। आप बॉय गर्ल नहीं लेंगे बिकॉज एल्डर चाइल्ड, पहले वाला चाइल्ड आपका फीमेल होना चाहिए। तो दो ही ऑप्शंस है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है एंड टोटल फोर सैम्पल स्पेस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना चाहती हूँ तो दो ऑप्शन है सैम्पल स्पेस में, 4 1/2। अब निकालना क्या है आपको, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल यानी ए अपॉन जो गिवन है ए बाय बी ही निकालना है। अगेन आप ए बाय ए इंटरसेक्शन बी भी इसके लिए निकालना पड़ेगा बिकॉज आपको पी ए बाय बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन मतलब बोथ चिल्ड्रन फीमेल होनी चाहिए और एल्डर फीमेल होना चाहिए, यानी हमारे पास गर्ल गर्ल वाली भी आ सकती है ना, यहाँ पे बोथ भी है और एल्डर फीमेल भी है, तो आपके पास वन ऑप्शन बाय फोर। तो पी ए बाय बी इसी तरीके से आता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/4, यानी कि 1/2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है, सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.2% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, ये ग्रे हेयर्ड इंसान मेल होगा। Assume that there are equal number of males and females. ये assumption है, ये given है, यानी कि आप मान के चलेंगे कि आपके पास equal number of male and female आए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको conditional probability समझिए कि if and then की condition है, तो यहाँ पे दो conditions नहीं है। यहाँ पे देखिए men के बारे में भी बात किया गया है, women के बारे में भी बात किया गया है, and then grey hair person को select करना है, then तीसरा वाला grey hair है। एंड यहाँ पे ये भी पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो ये ग्रे हेयर्ड पर्सन है ये मेल होगा, ठीक है? यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है? तो आपके पास इसमें इवेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट इवेंट प्राइमरी इवेंट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ मेन कितने हैं, ई टू इवेंट क्या है कि नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, मेन क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन पार्ट क्या है कि वो ग्रे हेयर्ड होने चाहिए, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं बेस थ्योरम में, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है ना कि दोनों इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हैं, यानी दोनों की रेशो 50-50% है। तो आप क्या करेंगे, मेन की रेशो भी 50% है यानी कि 1/2, वुमेन की रेशो भी 50% है यानी कि 1/2। अब क्या निकालते हैं बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पहले ए बाय इवन निकालेंगे, यानी मेन होने चाहिए और वो ग्रे हेयर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया है कि 5% ऑफ मेन हैव ग्रे हेयर, तो 5% यानी 5/100, देन ए बाय ई टू यानी कि आपके पास वुमेन होनी चाहिए और वो ग्रे हेयर्ड होनी चाहिए, तो वो भी आपको दे रखा है 0.25 यानी कि 0.25/100। देन आपको निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग मेल, ग्रे हेयर्ड तो होने चाहिए साथ में मेल भी होने चाहिए, तो यानी कि मेल को हमने इवन माना है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए निकालनी है। तो कैसे लिखते हैं हम, ऊपर फेवरेबल आउटकम यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाय इवन, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इवन का भी लेंगे और ई टू का भी लेंगे। तो आपको जो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज पुट कर देनी है, एंड एज मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कैंसिल करने की बजाय इनको नीचे सेम ही रहने दीजिए, यहाँ पे 200 200 200 आपके पास बन रहा है तो वैसे ही रहने दीजिए, आपके पास कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी एंड 20/21 वुड बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर से सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10% 10 पीपल आर राइट हैंडेड। हम मान के चल रहे हैं कि 90% पीपल राइट हैंडेड है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि अगर हम 10 लोगों को देख रहे हैं तो उसमें एट मोस्ट 6 पीपल जो है वो राइट हैंडेड होंगे, ठीक है?
इसमें देखो ना तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है, इफ एंड देन की कंडीशन, ना बेस थ्योरम लग रही है, ये थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल 10 है, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 10 है, उसमें से हमें सक्सेस कब मिलेगी, यानी पी की वैल्यू क्या होगी। आपको राइट हैंडेड पीपल का पूछा है एंड यहाँ पे बोला 90% पीपल राइट हैंडेड है, यानी सक्सेस मींस 90% पीपल राइट हैंडेड है, 90/100। और फेलियर मतलब कि लेफ्ट हैंडेड कितने होंगे, 1 में से 90/100 माइनस कर दो, यानी कि 10/100 आपके पास लेफ्ट हैंडेड पीपल की प्रोबेबिलिटी होगी जो कि हम फेलियर की कंसिडर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपको बोला है कि एटमोस्ट 6% 6 पीपल जो है 10 में से वो राइट हैंडेड होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एटमोस्ट 6 मतलब देखिए वैसे तो आपके पास 10 पीपल है, यानी 1 से लेकर 10 तक है, तो एटमोस्ट 6 मतलब 6 तक ही आप काउंट कर सकते हो। तो 1 से लेके 6 बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करनी है 1 से लेके 6 तक की, यानी आप x इज इक्वल टू 6 भी लेंगे, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1 एंड 0 भी लेंगे, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है एटमोस्ट 6 में ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 हो, कि कोई भी राइट हैंडेड ना हो। तो कई बार बच्चे ये जीरो वाली कंडीशन भूल जाते हैं, तो एटमोस्ट 6 मतलब 0 भी हो सकता है कि कोई भी राइट हैंडेड ना हो। तो या तो आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको आगे सॉल्व करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो दूसरा तरीका क्या है कि देखिए आपके पास एक्स की ऑप्शंस क्या है, 0 से लेके 10 तक है ना, कि 0 भी राइट हैंडेड हो सकते हैं, 1 भी राइट हैंडेड हो सकते हैं और 10 तक राइट हैंडेड हो सकते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको एटमोस्ट 6 बोला है, यानी 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रही हूँ 0 से लेके 6 तक, जैसे हम पहले वाले मेथड में कर रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो मुझे एटमोस्ट 6 ही निकालना है ना। तो क्यों ना मैं 1 में से ये वाले माइनस कर दूँ 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1 में से अगर मैं 7 to 10 माइनस कर दूँ तो बेसिकली मेरे पास 0 to 6 ही आने वाले हैं। होगा क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, एटमोस्ट 6 में 1 माइनस क्या कर रहे हैं हम, 7, 8, 9, 10, 1 में से ये माइनस कर रहे हैं, तो वही करेंगे। देखिए 1 एज इट इज 7 के लिए, अब मान लीजिए कि 7 हमें निकालने हैं, 7 राइट हैंडेड है, तो टोटल 10 थे, 10 में से 7 राइट हैंडेड है, यानी जो सक्सेस मिली, सक्सेस आप यहाँ पे देख रहे हैं पी 90/100 यानी कि 9/10 और क्यू 10/100 यानी कि 1/10, ये फेलियर है, ठीक है। तो अगर मैं 7 की बात कर रही हूँ तो 10 में से 7 राइट हैंडेड है, यानी कि 7 टाइम मुझे सक्सेस मिली और 3 टाइम मुझे फेलियर मिला होगा, क्योंकि टोटल 10 है। प्लस 8 के लिए मैं क्या लिखूंगी कि 10 में से 8 राइट हैंडेड है, यानी 8 टाइम्स मुझे सक्सेस मिली होगी, 2 टाइम्स मुझे फेलियर मिला होगा। 9 के लिए लिखना है तो 10 में से 9 राइट हैंडेड है, यानी 9 टाइम मुझे सक्सेस मिली होगी, 1 टाइम फेलियर मिला होगा। और 10 के लिए लिखना है तो 10 में से 10 राइट हैंडेड है, यानी कि 10 टाइम्स मुझे सक्सेस मिली, 0 टाइम मुझे फेलियर मिला होगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 1 एज इट इज माइनस एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 10C7, 10C8, 10C9, बेसिकली आपके पास 10CR की कंडीशन चल रही है, जहाँ पे हम समेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि R 7 से लेके 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे 7, 8, 9, 10 तक आर जा रहा है, और यहाँ पे जो पावर में आर चल रहा है यानी 9/10 बेसिकली 0.9, तो 9/10 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि वो 0.9 है और पावर में क्या चल रहा है आर, आर मतलब क्या बोला 7 से लेके 10 तक ना, तो देखो पावर में 7, 8, 9, 10 चल रहा है, और साथ में जो 0.1 है यानी 1/10 0.1, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि वो 10 माइनस आर चल रहा है। देखिए 10 माइनस आर यानी कि 10 माइनस 7 इधर 3 चल रहा है, 10 माइनस 8 इधर 2 चल रहा है, 10 माइनस 9 इधर 1 चल रहा है, 10 माइनस 10 इधर 0 चल रहा है। तो इन सब को पूरा सॉल्व करने की बजाय मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपका डिलीट हो चुका है। देन सिक्स्थ
सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो चुका है, एंड विल डू सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, अ डाइस इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल थ्री सिक्सेस आर ऑब्टेन्ड. मतलब आपको तीन बार ये चाहिए, सिक्स चाहिए, और आप डाइस थ्रो करे जा रहे हो जब तक आपको तीन बार सिक्स नहीं मिलता. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स थ्रो. मतलब जब आपने सिक्स टाइम डाइस को गिराया तब जाके आपको ये तीसरा वाला सिक्स मिला. अब इसको देखिए कैसे करते हैं. आपके पास सक्सेस क्या है जब आपको सिक्स मिलेगा? यही आपकी सक्सेस है ना. डाइस में टोटल छह टर्म्स होती हैं. जब आपके पास वो सिक्स नंबर आएगा, यानी सिक्स तो एक ही बार आएगा ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, यानी वन बाय सिक्स. और अगर मैं फेलियर देखती हूँ तो वन से लेके फाइव में आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है तो आपके लिए फेलियर ही है, क्योंकि आपको तो सिर्फ सिक्स वाला नंबर चाहिए. तो वन से लेके फाइव तक, यानी फाइव बाय टोटल नंबर कितने होते हैं, सिक्स, तो ये आपके लिए फेलियर हो गया. अब प्रोबेबिलिटी कि आपको थर्ड सिक्स जो है वो सिक्स्थ बारी में आया, क्योंकि थर्ड टाइम जो आपका सिक्स आना है, तीन सिक्स चाहिए आपको, तो थर्ड टाइम जो सिक्स आया वो सिक्स्थ नंबर की थ्रो में ही आया होगा, ये आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, अब देखो आपके पास इस तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ कि आपको तीन सिक्स चाहिए और आपको बोल रहे हैं कि जो थर्ड वाला सिक्स है वो सिक्स्थ नंबर की थ्रो में ही मिला होगा, यानी कि ये जो पहले वाले दो हैं ये आपको पहली पांच थ्रोज में मिल गए होंगे, है ना. तो आपके पास इस तरीके से लिखेंगे कि जो फाइव आपकी थ्रोज थी उसमें से पहले दो सिक्स तो मिल गए, ठीक है, फाइव सी टू, यानी कि जो सक्सेस थी आपको वन बाय सिक्स वो पहले दो थ्रोज में मिल गई, और जो आपका फेलियर है वो तीन थ्रोज में रहा होगा पांच में से, है ना. पांच में से दो थ्रोज में सक्सेस मिल गई और पांच में से तीन थ्रोज में आपका फेलियर मिल गया. एंड ये तो हो गई पहले दो सिक्सेस की बात, यहां से लेके यहां तक इस तरीके से मिले होंगे पहले दो सिक्सेस, और साथ में मुझे थर्ड सिक्स भी चाहिए, तो साथ में ही चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई. अब थर्ड सिक्स कब मिला होगा? जब मेरे पास सिक्स थ्रो आई, तो पहले पांच थ्रोज की तो ये बात कर दी, उसके बाद सिक्स थ्रो में मुझे सक्सेस मिल गई, यानी कि सक्सेस मीन्स वन बाय सिक्स पी, और सिक्स थ्रो में सक्सेस मिली यानी कि फेलियर मेरे पास जीरो रहा होगा, है ना. आपको ये नहीं भी लिखना, फेलियर तो मत लिखिए, बट आपको थर्ड में सक्सेस मिली तो आपके पास वन बाय सिक्स हो गया. तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए. फाइव सी टू को क्या लिखेंगे, फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस टू, यानी कि थ्री फैक्टोरियल. इधर आपके पास 1 बाय 36, इधर आपके पास 125 बाय सॉरी 6 का क्यूब है, यहाँ पे 216 आप लिखेंगे इनटू 1 बाय 6, तो आपके पास सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा. तो ये आपका ये जनरल क्वेश्चन था, कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी है या बेस थ्योरम, जनरल क्वेश्चन था, ठीक है. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन भी हमने करना है. इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज. ये क्वेश्चन आप नाइन्थ क्लास में भी कर चुके हैं, टेंथ में भी कर चुके हैं, अब आपके पास प्लस टू में भी आ गया है. तो यहाँ पे हम यूजुअली 53 संडेज वाला क्वेश्चन करते थे, बट कॉन्सेप्ट वही है. देखिए लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो लीप ईयर में वीक्स कितने होंगे, 366 डेज होते हैं, उसको वीक्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, यानी 52 पूरे वीक्स होंगे एंड 2 डेज आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं. तो आपके पास 53 संडेज की बात कर रहे हैं. देखिए 52 वीक्स में 52 सॉरी संडेज नहीं ट्यूजडेज 52 वीक्स में 52 ट्यूजडेज तो आपके पास आ ही रहे होंगे, वो तो कन्फर्म्ड है. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो 53rd वाला ट्यूजडे है वो किस में आएगा, तो इन दो दिनों में से कहीं पे भी आ सकता है. तो ये जो दो दिन है उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन सकते हैं, या तो वो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूजडे, या ट्यूजडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, ये होगा. तो इसमें ट्यूजडे वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं, एक तो ये, एक तो ये, या तो इस वाले दिन में ट्यूजडे आ रहा होगा या इस वाले दिन में. तो बेसिकली आपके पास टू कॉम्बिनेशन एंड टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए 7, तो 53rd ट्यूजडे के लिए आपके पास 2/7 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिलीट हो चुका है. देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेज हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन
टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 9%. मतलब कितनी बार एक इंसान एक फेयर कॉइन को टॉस करे कि प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट वन हेड की वो 90% से ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे. आपके पास हाउ मेनी टाइम्स पूछा, यानी नंबर तो आपको नहीं पता कि इवेंट कितने होने वाले हैं. अब प्रोबेबिलिटी हेड की अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास कम से कम एटलीस्ट वन हेड है ना, तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी मैं एक कॉइन में देखूँ तो 50% होती है, यानी 1/2. तो वो मेरा सक्सेस रेट हो गया. और फेलियर कब होगा, जब मेरा कॉइन में टेल आ जाएगा, वो भी 50% है, यानी 1/2. अब जब मुझे एटलीस्ट वन हेड देखना है तो मुझे पता नहीं ना मैक्सिमम कितने बार जा सकता है. तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब कि मैं वन में से 0 वाला केस माइनस कर देती हूँ. तो ये सबसे बेस्ट वे होगा एटलीस्ट वन हेड के निकालने का, कि वन में से मैं 0 वाला केस माइनस कर दूँ. क्योंकि एटलीस्ट वन में सिर्फ 0 वाला केस नहीं आएगा, उसके वन वन और वन के बाद वाले सब केसेस आएंगे. तो वन में से मैं 0 वाला केस माइनस कर देती हूँ. और आपको बोला है कि जो ये वन में से 0 केस अगर माइनस कर दे, यानी एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 90/100. ठीक है, तो अब देखो वन एज इट इज, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0. इसको देखो, एन हमें नहीं पता कि कितने में से आएगा, और हमें क्या चाहिए, 0, कि हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी, 0 केस हो कि हेड आने का. तो ये भी हो सकता है क्योंकि हम एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं. तो टोटल नंबर हमें नहीं पता और हमें 0 केसेस चाहिए, यानी जो हमें सक्सेस चाहिए पी वो 0 बार चाहिए. ठीक है, और फेलियर हमारा कितना हो सकता है, अभी एन पता ही नहीं है, तो फेलियर एन टाइम का हो सकता है. जितने में से हमने थ्रो किया होगा उतने बार फेलियर होगा, क्योंकि सक्सेस तो एक भी बार नहीं मिली. 10 में थ्रो किया, सक्सेस एक भी बार नहीं मिली, यानी 10 बार फेलियर हुआ. अब एन टाइम थ्रो किया तो सक्सेस एक भी बार नहीं मिली, यानी एन टाइम फेलियर हुआ. और ग्रेटर देन 90/100 तो चल ही रहा है. अब देखो एन सी 0 को कैलकुलेट करोगे तो वो 1 आएगा, 1/2 की पावर 0 वो भी 1 होता है, तो 1/2 एन इधर बचा ग्रेटर देन 90/100. तो 1 यहाँ पे 90/100 को मैं 9/10 लिख सकती हूँ, ये 9/10 इधर आ जाएगा, तो 1 - 9/10. और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 एन ही बनने वाला है. ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि उधर जाके पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ. तो 1 - 9/10 इज 1/10 ग्रेटर देन 1/2 एन. 1/10 इज 0.10, 1/2 इज 0.5 एन. अब हमें हाउ मेनी टाइम्स बताना है, एन बताना है. ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होगी एन की, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. ठीक है, तो एन की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 लेती हूँ, तो यहाँ पे 0.10 ग्रेटर देन 0.5 की पावर 1, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये इससे बड़ा नहीं है तो फॉल्स. फिर एन की वैल्यू 2 डालती हूँ, इधर 0.5 का स्क्वायर करूंगी 0.25, तो 0.10 इज नॉट ग्रेटर देन 0.25, फॉल्स. फिर 3 डालती हूँ, 0.5 का क्यूब यानी 0.125, अगेन ये बड़ा नहीं है, फॉल्स. फिर 4 डालती हूँ, 0.5 raised to power 4, तो 0.0625. तो यस, नाउ 0.1 इज ग्रेटर देन 0.0625, ट्रू. यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 4. तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस कि वो ग्रेटर देन 90/100 आए एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी, तो ही शुड टॉस 4 times ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90/100 आए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन सेज, इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6 एंड लूजेस अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन. एक गेम चल रही है और एक मैन है जो जिसको 1 rupee तब मिलेगा अगर उसका डाइस में 6 आया होगा, और वो 1 rupee लूज भी कर देगा, उसका 1 rupee माइनस हो जाएगा अगर डाइस में कोई और नंबर आ गया 6 के अलावा. अ मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस, उसने 3 बार डिसाइड किया कि मैं डाइस थ्रो करूंगा, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6, और क्विट तब कर देगा जब उसको 6 मिलेगा. The expected value of amount he wins or loses. आपको find करना है expected value. मैंने आपको पहले भी बताया था expected जहाँ पे आएगा, यानी आपने mean निकालना है. तो आपको expected value find out करनी है कि आप amount बताइए जितना वो जीतेगा या वो जितना हारेगा. ठीक है, अब देखिए expected mean का आपको बोला है, यानी यहाँ पे आपके पास probability distribution तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि आपको mean निकालना है.
बट निकालना कैसे है यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती है, 3 बार थ्रो करना था उसने, मान लीजिए फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम थ्रो किया, मान लीजिए उसको पहली बार ही डाइस में 6 आ गया, 6 आएगा तो उसको +1 मिल जाएगा, है ना। सेकेंड टाइम थ्रो किया, मान लीजिए उसको सेकेंड टाइम सक्सेस मिली, फर्स्ट टाइम ही सक्सेस मिली, सेकेंड टाइम सक्सेस मिली, सेकेंड टाइम में उसका 6 आया, तो यानी कि फर्स्ट टाइम जब उसने गिराया होगा तो उसको फेलियर मिला होगा, उसका -1 भी तो कटा होगा, और सेकेंड टाइम में उसको सक्सेस मिल गई यानी अब उसका टोटल +1 हो गया, सॉरी टोटल नहीं, अब उसको +1 मिल गया होगा, यानी टोटल करेंगे तो -1 + 1 उसका स्कोर कितना हो गया, 0। या फिर ऐसा हो सकता कि उसको थर्ड टाइम में सक्सेस मिली हो, यानी पहले टाइम में भी नहीं मिली -1 हो गया, दूसरे टाइम में भी नहीं मिली -1 हो गया, और तीसरे टाइम में सक्सेस मिली यानी तीसरे टाइम में +1 हो गया, तो टोटल करेंगे तो उसका स्कोर -1 हो गया, है ना। अब इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिली तो उसका यानी फर्स्ट टाइम में ही 6 आ गया और टोटल 6 हुआ, यानी फर्स्ट टाइम में 6 आना यानी एक ही ऑप्शन है उसके पास, टोटल आपके पास 6 हो गया। अब सेकेंड टाइम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, फर्स्ट टाइम में तो उसको क्या मिला, फेलियर मिला, तो फेलियर का रेट क्या हुआ, 5/6 ना। यहाँ पे आप देखो एक चीज लिख लेना, पी जो है सक्सेस कब मिलेगी, जब उसके पास 6 आएगा, यानी पी की वैल्यू आपके पास 1/6 है, और फेलियर क्या होगा, जब उसके पास 6 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा, यानी 1 से लेके 5 तक कोई नंबर आएगा, तो फेलियर इज व्हाट, 5/6। तो सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे उसको -1 मिला, -1 मतलब फर्स्ट टाइम में उसको फेलियर मिला और सेकंड टाइम में उसको सक्सेस मिल गई। थर्ड केस में देखिए, पहली बार किया फेलियर मिला, सेकेंड टाइम किया फेलियर मिला और थर्ड टाइम में उसको सक्सेस, ठीक है। अब आपको मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई, इधर एक्स को पी एक्स है, इधर एक्स को पी एक्स है, सो टोटल लेना है। यहाँ पे फर्स्ट केस में टोटल 1 बन रहा है, सेकेंड केस में 0 बन रहा है, थर्ड केस में -1 बन रहा है, यानी 1 × दिस, 0 × दिस, -1 × दिस, तो वही हम करेंगे, मीन निकालना है 1 × दिस, 0 × दिस, -1 × दिस, आप सॉल्व करेंगे आपका मीन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आपको पूछा सपोज वी हैव 4 boxes ए बी सी डी एंड इनमें कलर्ड मार्बल्स हैं, एंड आपको यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है कि इसमें कितने कलर के मार्बल्स हैं, वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सिलेक्टेड एंड सिंगल मार्बल आपने निकाल लिया है, इफ मार्बल रेड निकला है, तो आपको प्रॉबिबिलिटी बतानी है कि वो बॉक्स ए में से निकला होगा, या आपको बी की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है और सी की भी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे इवेंट्स ज्यादा है, तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन है, तो आपके पास पहला इवेंट क्या होगा, पहले तो आप बॉक्स सिलेक्ट करोगे ना, मान लीजिए आपने बॉक्स ए से निकाला, इवेंट 2 यानी आपने बॉक्स बी से निकाला, इवेंट 3 यानी आपने बॉक्स सी से निकाला, इवेंट 4 यानी कि आपने बॉक्स डी से निकाला, और कॉमन पार्ट क्या है कि जो मार्बल निकाला है, इफ द मार्बल इज रेड, वो मार्बल रेड होना चाहिए, ये आपका कॉमन पार्ट है, तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, इवेंट दैट ड्रॉन मार्बल इज रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कोई भी मार्बल किसी भी बॉक्स से निकालना हो, सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है, ठीक है, आपके पास 4 boxes हैं, चारों में से आप किसी से भी निकालोगे, सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या बॉक्स उसमें से निकालोगे, तो 1/4, टोटल आपके पास 4 इवेंट है, E2 में भी 1/4, E3 में भी 1/4 और E4 में भी 1/4, कि आप किसी में से भी निकाल सकते, ठीक है। अब आते हैं A/E1, बेस थ्योरम लगा रहे हैं तो इसी तरीके से करते हैं। A/E1 का मतलब है कि आपने बॉक्स ए से निकाला और वो मार्बल रेड हुआ, तो देखिए आप बॉक्स ए में रेड मार्बल कितने, 1, और टोटल कितने हैं ये ए में, 10, तो आपके पास A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1/10। A/E2 मतलब आपने बॉक्स बी से निकाला और वो मार्बल रेड होगा, बी बॉक्स में रेड मार्बल कितने हैं, 6, और टोटल मार्बल इसमें 10, यानी कि प्रोबेबिलिटी 6/10। A/E3 मतलब सी बॉक्स में निकाला और वो मार्बल रेड, तो सी बॉक्स में रेड मार्बल 8 है और टोटल मार्बल 10 है, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी 8/10। A/E4 यानी कि आपने डी बॉक्स में से निकाला और वो मार्बल रेड है, डी बॉक्स में रेड मार्बल 0 है एंड टोटल मार्बल्स आपके पास 10, तो 0/10, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉक्स ए में होना चाहिए और वो रेड होना चाहिए, ठीक है, तो बॉक्स ए में एंड रेड यानी कि आपके पास रेड वाली और ए वाली E1/A निकालना है,
तो अब बॉक्स ए के लिए हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो आप देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आती हैं, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन, और नीचे टोटल आउटकम्स आती हैं। अब आपके पास चार इवेंट है, तो आपने ई वन का भी लेना है, ई टू का भी, ई थ्री का भी, ई फोर का भी। अब सभी की वैल्यूज देखिए, यहाँ पे हम सभी की वैल्यूज निकाल चुके हैं, आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। यही ये क्वेश्चन खत्म नहीं है, आपको सेम चीज बॉक्स बी के लिए भी निकालनी है और बॉक्स सी के लिए भी निकालनी है। तो जैसे हमने बॉक्स ए के लिए निकाली है, वैसे ही आप बॉक्स सी, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी के लिए इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ये आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ हैव पेशेंट हैविंग एन हार्ट अटैक इज 40%। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड अ योगा कोर्स कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। And prescription of certain drug reduces it by 25%. At a time, a patient can choose any of the two options. दो ही options वो choose कर सकता है, या तो वो meditation and yoga से अपना heart attack कम करे, या फिर drugs लेके, कुछ medicines लेके अपना heart attack कम कर सकता है, और दोनों option की equal probabilities है। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. अब क्या हो जाता है कि दोनों ऑप्शन में से कुछ एक चूज करता है, स्टिल उसको हार्ट अटैक हो जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। वो मेडिटेशन एंड योगा से कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो आपके पास दो इवेंट्स बेसिकली बनते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इफ एंड देन की कंडीशन नहीं चल रही, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंडीशन चल रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो जिसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं, हम उससे करेंगे। तो आपके पास एक इवेंट चल रहा है जिसमें आप मेडिटेशन एंड योगा, कि वो पर्सन मेडिटेशन एंड योगा चूज करता है। दूसरा इवेंट है कि वो पर्सन सर्टन ड्रग्स चूज करता है, ठीक है। फिर भी कॉमन क्या होता है कि उनमें से कोई भी ऑप्शन वो चूज करता है, तो किसी एक ऑप्शन से उसे हार्ट अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में ही कि आपके पास दोनों ऑप्शंस के इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर आप इवन इवेंट चूज करते हैं, अगर वो इंसान मेडिटेशन योगा चूज करता है, तो भी उसके पास 50% चांसेस है कि हार्ट अटैक आए, और यहाँ मतलब चूज करने के 50% चांसेस है, सॉरी हार्ट अटैक के नहीं, चूज करने के 50% चांसेस है, और सर्टन ड्रग्स चूज करने के भी उसके पास 50% चांस, ठीक है। अब ए बाय इवन हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि वो इंसान मेडिटेशन योगा चूज करता है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट अ पर्सन ऑल्सो अज्यूम दैट अ मेडिटेशन योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अब बच्चे सीधा देखते हैं मेडिटेशन एंड योगा, और वो 30% बोला तो लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, उन्होंने बोला है रिड्यूस करता है रिस्क हार्ट अटैक का, और हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट अटैक उसको होगा ए बाय इवन, कि उसको हार्ट अटैक हो गया उसने अगर मेडिटेशन एंड योगा चूज किया। तो यानी कि अगर ये मेडिटेशन एंड योगा 30% रिड्यूस करता है हार्ट अटैक का रिस्क, यानी कि 70% तो होता होगा, तो यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी 70% हो गई। सेम आप प्रोबेबिलिटी ए बाय ई टू में करेंगे, यानी कि यहाँ पे उसके पास सर्टन ड्रग से रिड्यूस हो जाते हैं 25% चांसेस, यानी कि होने के चांसेस क्या हुए 75%, 75/100। और आपको निकालना क्या है, दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, कि वो मेडिटेशन एंड योगा फॉलो किया और उसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो यानी कि इवन इवेंट बाय ए। तो कैसे करते हैं, आपके पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगी, तो फेवरेबल आउटकम पी ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन, नीचे टोटल आउटकम्स के लिए ई वन इवेंट भी और ई टू इवेंट, सभी की प्रोबेबिलिटीज हम लिख चुके हैं, आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 or 1, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। मतलब हर एलिमेंट जो है उसका 0 or 1 है, और डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें आपके पास सबसे पहले अगर हमने कैलकुलेट करना है कि कितने हमारे पास डिटर्मिनेंट्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ सकती हैं, ठीक है, जिसमें वैल्यू पॉजिटिव, जो डिटर्मिनेंट्स हमारे सेकेंड ऑर्डर के बनेंगे, तो कैसे निकालते हैं। देखें आपके पास डिटर्मिनेंट्स जो है, यहाँ पे एलिमेंट कितने दे रखे हैं,
जीरो और वन, या तो उसमें जीरो होगा या वन होगा, यानी दो ही एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप बेस क्या लेंगे, टू, और आपके पास ऑर्डर दे रखा है टू क्रॉस टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट दे रखा है आपके पास टू क्रॉस टू, यानी टू इंटू टू फोर, वो आप पावर में लेंगे, यानी आपके पास टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने होंगे, 16। अब पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो देखिए 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चाहिए और उसमें जो वैल्यू डाल सकते हैं वो या तो 0 या 1। तो मेरे पास एक केस तो ये बन सकता है कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखिए 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा 1। एक ये केस हो सकता है कि मैं इधर इधर लिख दूं 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0, यानी कि फिर भी 1 ही आंसर आएगा। एक केस ये हो सकता है कि 1 माइनस 0, इधर भी 1 आंसर आ सकता है। आप और कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए 1 और 0 का, बट आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, सिर्फ यही केस है जिसमें आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी डिटर्मिनेंट की, तो क्या होगी, 3 केसेस हैं और टोटल डिटर्मिनेंट्स हमारे 16 बनते हैं, तो 3 बाय 16, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में देखिए, आपको बोला है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है जिसमें 2 सब सिस्टम्स हैं ए एंड बी। आपको यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कि ए सिस्टम फेल करेगा वो 0.2 है, बी फेल करेगा वो 0.15 है, एंड ए एंड बी दोनों फेल कर जाएंगे वो 0.15 है। आपको इवैल्यूएट करना है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ए बाय बी ही दिया है, बट आपको देखिए कंडीशन समझनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी कि ए फेल करे जब बी ऑलरेडी फेल कर चुका है, यानी बी हैज फेल्ड ये गिवन है, और ए फेल करे वो निकालना, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए एंड बी इवेंट ले लेते हैं कि ए इवेंट डिनोट करता है कि ए फेल करेगा, बी इवेंट डिनोट करता है कि बी फेल करेगा, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने में आसान रहेगा। हमने ये ए इवेंट बना लिया और ये बी इवेंट बना लिया। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए फेल करेगा, उसकी 0.2% प्रोबेबिलिटी है, तो पूरा का पूरा ए फेल कर जाएगा, ये 0.2 प्रोबेबिलिटी। देन आपको दिया है कि बी अलोन फेल करेगा, ठीक है, तो अलोन का मतलब सिर्फ इतना, ये जो डॉटेड पोर्शन है ना, ये बी अलोन का हुआ, ये कॉमन पोर्शन नहीं, ये सिर्फ डॉटेड पोर्शन बी अलोन 0.15 फेल करेगा। एंड आपको ए एंड बी, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो ए एंड बी फेल करेगा 0.15, यानी ए इंटरसेक्शन, ये जो कॉमन पोर्शन है ये इंटरसेक्शन बी, ये 0.15 है, ठीक है। अब अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए की तो दे रखी है कि ए फेल करेगा वो 0.2 है। अगर मुझे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी मतलब बी फेल करेगा, तो पूरा का पूरा बी फेल करेगा ना, यहाँ पे बी अलोन नहीं, पूरा का पूरा बी फेल करेगा, तो 0.15 प्लस 0.15 पूरा का पूरा, तो आपके पास 0.3 आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो 0.15, क्योंकि वो तो कॉमन पोर्शन तो ऑलरेडी दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, A fails by B has failed, यानी A by B निकालना है। तो अगर A by B निकालना है, then formula क्या है, intersection B upon P of B, intersection आपको दिया है, B आपने निकाल लिया, तो ये probability आ गई। और दूसरा आपको पूछा है यहाँ पे कि A fails alone, A अकेला fail किया, A अकेला fail किया मतलब common portion नहीं आएगा, ये जो मैंने line से किया ये हुआ कि A अकेला fail किया, तो अकेला fail कैसे कर सकता है, वो पूरा का पूरा 0.2 था ए का, उसमें से कॉमन निकाल दो, 0.15 निकाल दो, तो आपके पास 0.20 माइनस 0.15 0.05 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग टू कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू 2 एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। एक बॉल बैग वन से बैग टू में ट्रांसफर कर रहे हैं, अब वो बॉल कौन सी है, रेड है या ब्लैक, वो नहीं हमें पता। देन एक बॉल हम ड्रॉ करते हैं बाहर बैग टू से, द बॉल सो ड्रॉन, जो हम बाहर निकाल रहे हैं बॉल, वो पता है कि वो रेड कलर में होनी चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, जो हमने यहाँ से बैग वन से बैग टू में ट्रांसफर की थी वो
बॉल ब्लैक होनी चाहिए ये प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे भी हमारी बेस थ्योरम लगेगी। देखिए हम एक इवेंट चल रहा है, बैग वन से बैग टू में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफर कौन से कलर की कर रहे हैं नहीं पता। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए बैग वन में हमारे पास 3 रेड 4 ब्लैक थी और बैग टू में 4 रेड 5 ब्लैक थी। तो पहले हम इवेंट वन मान लेते हैं कि जो बॉल ट्रांसफर की बैग वन से बैग टू में वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर की। और दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि वन से टू में जो ट्रांसफर की वो रेड बॉल हो सकती है। और कॉमन क्या है कि हमने ड्रॉ की है बाहर ब्लैक बॉल, निकाल दी बैग टू में से। यहाँ पे दे रखा है ना कि बैग टू में से बॉल निकाली गई और वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो ड्रॉन बॉल जो है वो रेड कलर की है, ये कॉमन इवेंट। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए पहले इवन इवेंट की, कि बैग वन से बैग टू में ब्लैक बॉल डाली। ठीक है, तो ब्लैक बॉल डाली बैग वन से बैग टू में, यानी कि ये आपके पास 4 ब्लैक थी और टोटल कितनी थी 10, 7, तो 4/7 हो सकती है। ई टू देखें कि वो बॉल रेड होनी चाहिए, तो बैग वन में रेड बॉल 3 थी और टोटल कितनी है 7, 3/7। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए बाय इवन, यानी कि वो बॉल आपके पास इवन इवेंट आपके पास क्या चल रहा था कि ब्लैक होनी चाहिए और ए की वो बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए ए निकाली हुई। ठीक है, तो यानी कि इवन इवेंट मतलब आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की और वो बॉल क्या होनी चाहिए जो निकाली है वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आप बैग वन से बैग टू में ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ पे अभी ब्लैक बॉल्स कितनी है बैग टू में, यहाँ पे बैग टू नहीं लिखा, बैग टू में ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। इधर से एक और बॉल आ गई तो यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल्स हो गई, यानी कि कंडीशन क्या बन गई है 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल। और उन्होंने पूछा कि जो निकाली है वो रेड होनी चाहिए, तो रेड तो 4 है ना, तो और टोटल 6, तो 4/10। ठीक है, टोटल सॉरी 10, 4+6 10। ऐसे ही कि वो बॉल रेड ट्रांसफर कर दी और निकाली भी रेड। तो अब देखो यहाँ पे ब्लैक इसमें से बैग वन में से ये 3 में से 1 इधर ट्रांसफर कर दी, तो यानी अब यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी हो गई 5। तो अब केस क्या बन गया 5 रेड और 5 ब्लैक का, तो यानी कि सेकेंड में केस बनेगा 5 रेड और 5 ब्लैक का। और आपको निकालनी कौन सी है रेड, तो रेड वाली तो आपके पास 5 है, तो 5 और टोटल कितनी है यहाँ पे 10। और लास्ट में जो आपको पूछा गया है कि आप बताइए कि वो बॉल ट्रांसफर ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक यानी कि इवन, और कॉमन तो आपको पता है कि निकाली तो रेड ही है, तो इवन बाय ए आपको निकालना है। तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आएंगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, नीचे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे दोनों को ऐड करके। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज ऊपर डाल ही चुके हैं, वैल्यूज डाल के आप सॉल्व करेंगे, 16/31 विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है, जो क्वेश्चंस रिलेटेड है मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे मेन आपकी इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।